नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। हिंदू राष्ट्र पर कब्जा करना चाहते हैं मुसलमान, शिवसेना ने सामना में कहा। शिवसेना की एक और विवादित टिप्पणी सामने आई है। शिवसेना का कहना है कि मुसलमान हिंदू राष्ट्र पर कब्जा करना चाहते हैं। पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में कहा गया है कि मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या के चलते देश की एकता में दरार आ सकती है। सामना में लिखा गया है कि अगर मुसलमान खुद को भारतीय मानते हैं तो वे देश के कानून का पालन करें, जो कि परिवार नियोजन है। समय आ गया है जब प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर स्वयं मुसलमानों से बात करें। आर्थिक तंगी से जूझ रही है कांग्रेस, कार्यकर्ताओं से मांगे 250 रुपए। देश की सबसे पुरानी और सबसे अधिक समय तक सत्ता में रही राजनीतिक पार्टी कांग्रेस इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रही है। इससे निपटने के लिए पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह हर साल 250 रुपए पार्टी को सहायता के रूप में दें। कांग्रेस इस चंदे से अपनी खस्ता होती जा रही आर्थिक हालत को सुधारने की कोशिश करेगी। AICC के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिले पैसों का 25% प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को दिया जाएगा, जबकि 75% राशि AICC के पास रहेगी। नए नियम के मुताबिक AICC के हर मेंबर को 600 रुपए हर साल देने होंगे। PCC मेंबर के लिए यह फीस 300 रुपए तय की गई है। यह नया रूल कांग्रेस की सभी स्टेट यूनिट्स के लिए है। भारतीय सेना ने LOC पार कर आया 11 वर्षीय लड़का पाकिस्तान को सौंपा। भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर से भूलवश नियंत्रण रेखा पार कर इस ओर आ गए 11 साल के एक लड़के को पाकिस्तान की सेना के सुपुर्द कर दिया है। सेना के अधिकारियों ने बीती रात यहां बताया कि POK के लासवा इलाके में रहने वाले समीर कयानी ने गुरुवार को भूलवश नियंत्रण रेखा पार की और सीमा के इस ओर आ गया। उन्होंने बताया कि फ्लैग मीटिंग तीतवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर हुई और लड़के को तंगधार फ्रंटियर इलाके में सेना की यूनिट ने पाकिस्तानी सेना के प्रतिनिधियों के सुपुर्द कर दिया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com।